नमस्कार, मैं हूं हिमांशु भाकुनी। यूपी लाइव टीवी का सियासी सफर जारी है और आज इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में जौनपुर के मलहनी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक पारसनाथ यादव ने हमारे संवाददाता अभिषेक यादव से बात करते हुए वर्तमान की योगी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर लोगों को बरगला रही है। विधायक जी, आप विधायक हैं 7 बार से, तो आपके क्षेत्र में भी कौन सी समस्याएं जो बची हुई हैं? मैं जनपद से सबसे वरिष्ठ जौनपुर का जनप्रतिनिधि हूँ और सन 1985 से लगातार 7 बार का विधायक हूँ। कामयाबी मिली। वर्तमान में मैं मलनी का विधायक हूँ। आदिगंगा, गोमती और सही, इन नदियों के किनारों पर बसा हुआ हमारा मलनी क्षेत्र 3 इस पार से लेकर उस पार से आने जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या पुलों की थी। मैंने उसकी कोशिश की कि अपने सरकार में रह करके भी मैंने 2 पुलों का पहले निर्माण कराया था। आज जो बड़ी समस्या जनपद की है, जो हमारे विधानसभा से सटी हुई समस्या मलनी से है, वह जौनपुर से बगल का क्षेत्र होने के नाते आवागमन में प्रतिदिन इतना बड़ा जाम लगता है कि लोगों का आना जाना दोभर हो जाता है। हम लोग और VIPs कभी 2-3 घंटे में वंचित रहते हैं। मैंने उसकी मांग की और प्रस्ताव भी भेजवा दिया था कि एक रिंग रोड अगर जौनपुर का बन जाए तो मलनी विधानसभा से लेकर सागंज के किराकत और मड़ियाहो जो चारों तरफ सटी हुई है जफराबाद, उससे निजात ये जाम से मिलेगी। उसका प्रस्ताव हमने अपनी सरकार में अखिलेश हमारे मुख्यमंत्री थे उनको भिजवाया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो अभी खटाई में पड़ा हुआ है। प्रदेश में सरकार योगी की है, भाजपा की सरकार है, क्या आपको कोई बाधाएं आ रही हैं विकास कार्य कराने में अपने जिले में, क्योंकि आप सपा के हैं और वो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है? ये हकीकत अकाट सत्य है कि सरकार के न रहने पर बहुत बड़ी बाधा आ रही है। जन समस्याओं को दूर करने की सरकार के पास तो अपना कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि ये मैं कहने में कोई संकोच नहीं करता कि केंद्र में जो है 4 साल की सरकार पूरी हो गई, 5वां साल उसने अपना अंतिम बजट पेश किया है और दूसरा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश कर रही है। लेकिन इन दोनों को मिला के देखा जाए तो जैसे किसी व्यक्ति के किसी कार्य करने का अनुभव न हो और वह है अनुभव एक्सपेरिमेंट करता रहे, प्रयोगशाला बना लिया है इन लोगों ने प्रदेश और देश को और अनुभव कर रहे हैं। हकीकत है कि गाँव का देश है, खेत खलिहानों का देश है। इतने नहीं, हमारे संविधान में लिखा गया है कि कृषि प्रधान देश, इसके विकास का मुख्य साधन खेती होगी। लेकिन आज हम जिस बारे में सोचते हैं कि दुनिया में किसान, उत्तर प्रदेश और देश का किसान विशेष करके अन्नदाता कहा जाता है और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जय किसान जय जवान का नारा लगाया था, और आज किसान अगर हम तुलना करें दुनिया के किसानों से तो सबसे निरीह और कमजोर किसान इस देश का। ऐसी परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार के बदलने के बाद विकास का काम जहाँ था वहीं पड़ा हुआ, केवल जुमला बोल रहे हैं, फिर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जुमला से सरकार बना करके डबल इंजन के नीचे से ऊपर लेकर के जो किसान और नौजवान और विकास को रोक रखा है, इससे जो है आने वाले समय में उनको जो कुछ भी जनता जवाब देगी ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक जी, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी, क्योंकि पिछली सरकार को यही कह करके जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और देश की सरकार चल रही है, ये लोग ना रख देते थे कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, उसी के चलते जनता को गुमराह किया और गुमराह करने में इतनी माहिर है। रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, न मंदिर बना न कोई काम हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अब तो बदतर हो गई है। कासगंज की घटना आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से झंडा फहराने वाले व्यक्ति को किसी ने कहां से गोली चलाई साफ है, लेकिन एक वर्ग को उत्पीड़ित करने की जो आदत भयभीत कर रहे हैं लोग, और इन परेशानियों के चलते कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। इन्होंने जो जो भी वादा किया आज तक एक भी पूरा नहीं किया, केवल जुमला बोल करके लोगों को रेवड़ी देने का काम कर रहा।
तो ये थे हमारे साथ पार्थनाथ चंदू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानून व्यवस्था भाजपा की वो ध्वस्त हो चुकी है, सरकार से जुमलेबाजी कर रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अभिषेक यादव, इलेक्ट्रिक लखनऊ। अगले सफर में हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सियासी शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी, क्योंकि हम दिखाते हैं हकीकत प्रदेश की।